तुमने मेरे बारे में काफी कुछ पूछा है, अपने बारे में भी बताओ ना, क्या करते हो तुम? मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ, मेरे पास मास्टर्स की डिग्री है। हम पहले एंगेज होंगे और उसके बाद हम शादी करेंगे। देखा जाए तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी मेरे से 200 रैंक्स नीचे है, और इनकम की बात करूँ तो तुमसे 3 गुना ज्यादा कमाती हूँ। अपने आप को जरा नीचे ही रखो, क्योंकि हाइट उतनी ही है। माइंडेड पे आई हो? हाथ छोड़ो। शिंशे के साथ ब्रेकअप करके इतनी अकेली हो कि ऐसे आदमी के साथ ब्लाइंड डेट कर रही हो? अगर तुम्हें सच में कंपनी चाहिए तो मेरे पास आओ, मेरी रखेल बनकर। क्या लगता है? मैंने कहा हाथ छोड़ो। तुमने जवाब नहीं दिया। उसने कहा हाथ छोड़ो, तो हाथ छोड़कर निकल जाओ। अच्छा हुआ मैं बच गया। आपको उन्हें बताना चाहिए था ना कि हॉस्पिटल में आप बीमार हैं, इससे आपके लिए उनकी चिंता बढ़ जाती ना। मिस मिनोही का कॉल आया है। काटो उसका कॉल, बेवकूफ। उन्हें पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। अगर वो कॉल करते रहेंगे तो आप क्या करेंगे? जितनी देर हो सके उसे मत बताना। हॉस्पिटल में डॉक्टर की बातें नहीं सुनोगे क्या? तुम चाहते हो शायद बिना पापा के रहे? तुमने मेरे बारे में काफी कुछ पूछा है, अपने बारे में भी बताओ ना, क्या करते हो तुम? मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ, मेरे पास मास्टर्स की डिग्री है, और ये सब देखकर तुम समझ गई होंगी। और सच कहूँ तो एवरेज लड़कों से मैं काफी ऊपर हूँ। हाँ, काफी हम्बल हो। मुझे सीधा रहना ही पसंद है, और हम दोनों के लिए मैं यही सोचता हूँ। और तुम 30 साल की तो लगती हो, तुम अपना अच्छा ध्यान रखती हो, लेकिन औरतों के हिसाब से देखे तो ये ज्यादा उम्र है। मुझे 30 साल की होने के लिए काफी वक्त है। लेकिन लगभग वही हो। सुनो, मर्द औरतों से काफी अलग होते हैं। अब मुझे ही देखो, I'm 32, लेकिन इसी उम्र में मर्द ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन औरतों की वैल्यू 30 साल होने के बाद कम होने लगती है। लेकिन तुम्हारी एक बात तो अच्छी है, तुम खूबसूरत हो। जब हमारे बच्चे होंगे बहुत खूबसूरत लगेंगे। बच्चों से याद आया, हम पहले एंगेज होंगे और उसके बाद हम शादी करेंगे, फिर उसके बाद बीच में रोकने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन ये डिस्कशन मुझे अभी नहीं करना है। कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा हूँ तो तुम मुझे ही दोषी ठहरा रही हो। तुम किस हक से मेरी कंप्लेन कर रहे हो? देखा जाए तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी मेरे से 200 रैंक्स नीचे है, और इनकम की बात करूँ तो तुमसे 3 गुना ज्यादा कमाती हूँ। और बच्चों की बात, यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम ऐसे सोचते हो कि शादी से पहले बच्चे होने चाहिए। और क्या था, लड़के 32 में ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, तो ये सुन लो कि लड़कियां ज्यादा होती है। लेकिन तुम ये बात क्या ही समझोगे? बाकियों से आपने आपको स्मार्ट जो समझते हो ना। क्या मतलब? तुम मुझे कुत्ता कह रही हो? मतलब तुम इतने भी स्टूपिड नहीं हो। अपने आप को जरा नीचे ही रखो, क्योंकि हाइट उतनी ही है। माइंडेड पे आई हो? हाथ छोड़ो। शिंशे के साथ ब्रेकअप करके इतनी अकेली हो कि ऐसे आदमी के साथ ब्लाइंड डेट कर रही हो? अगर तुम्हें सच में कंपनी चाहिए तो मेरे पास आओ, मेरी रखेल बनकर। क्या लगता है? मैंने कहा हाथ छोड़ो। तुमने जवाब नहीं दिया। उसने कहा हाथ छोड़ो, तो हाथ छोड़कर निकल जाओ। उससे दूरी रहो तुम। अच्छा हुआ मैं बच गया। मिनहोई रुक जाओ, सुनो तो मेरी बात। किसने कहा मैं यहाँ पर हूँ? कामू, वही होगी शायद। जियाजुन ने कहा। वो दोनों एक ही तो है? नहीं, सभी लोग ये जानते हैं कि मैं अभी भी तुम्हें चाहता हूँ, और सब लोग ये भी कहते हैं कि हम अलग हो जाएंगे तो बहुत ही बुरा होगा। बाकी सबका जाने दो, मैं क्या सोचती हूँ उससे फर्क पड़ता है। तुम ये ब्लाइंड डेट्स पर जबरदस्ती आ रही हो ना, ताकि तुम फिर से मेरे प्यार में न गिर जाओ? बिल्कुल भी नहीं, अपने बारे में थोड़ा कम ही सोचो बेवकूफ। अरे यार रुको, तुसे करो। क्या हुआ फिर से नाटक? फिर से का मतलब क्या है तुम्हारा? पहली बात तो उस दिन भी मैं सच में बीमार था, और दूसरी बात ये चेंग केरांग को मारते वक्त मेरी कलाई ट्विस्ट हो गई। दिखाओ। लो देखो।
ये सब करने की क्या जरूरत थी, उसे मैं खुद ही हैंडल कर लेती। तुम्हारा कुछ भी मेरे लिए मामूली नहीं है, मेरे हिसाब से वो सब कुछ मेरे लिए सीरियस है। तो फिर ठीक है, ध्यान से सुनो, अभी मैं कुछ सीरियस बताती हूँ। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो, यही हमारे लिए बेस्ट है। तुम ऐसे चली जाओगी एक जख्मी पेशेंट को यहाँ छोड़कर? तो फिर क्या करूँ मैं? चोट लगी है, गाड़ी नहीं चला सकता, मुझे घर पहुँचा दो। हार्डी को कॉल करती हूँ, उसे बिजनेस ट्रिप के लिए शंघाई भेजा है। ठीक है, फिर मैं कैब बुक करती हूँ, उसे चले जाना। नहीं, कैब के ड्राइवर्स घटिया होते हैं, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं ड्राइव करूँ? हाँ प्लीज। हमारी डील हो गई है, मैं शानचान के खिलौने लेकर यहाँ से जल्दी निकल जाऊंगी। ठीक है, शानचान को बहुत पसंद आएगा मेरा गिफ्ट, इसको तो भूल गया। सर, हार्डी मिस मिन हुई। इसे तो शंघाई में होना चाहिए था ना। हाँ, मैं अभी आया, जस्ट अभी उतरा हूँ, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने आया था, वो लेकर चला जाऊंगा। शिनची, मैं जाकर गिफ्ट लाता हूँ। मिस मिन हुई, बैठ जाइए। जब हम यहाँ रहने आए थे तब सर ने कहा था कि यहाँ बड़ा पेड़ चाहिए, तब से जब भी वो घर आते हैं इस पेड़ को ही देखते रहते हैं। पहले तो मुझे समझ नहीं आता था, फिर बाद में समझ आया, वो उनके पिछले 5 साल अभी तक नहीं भूले हैं। मिस मिनहुई, आप अकेले लड़के हो जिससे वो प्यार करते थे। ये देखो, बिल्डिंग ब्लॉक वाला सेट शानचान ने मांगा था, उसे ये पसंद आएगा। ठीक है, उसकी तरफ से थैंक यू, मैं चलती हूँ। अरे अरे रुको, हाथ सूज गया, मेडिसिन लगाओगी प्लीज? सुन लिया तुमने हार्डी, तुम्हारे बॉस का हाथ सूज गया है। मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ अभी, मुझे कंपनी में पहुँचना है, चलता हूँ मैं। अनोय? क्या? कुछ नहीं, बस नाम ले रहा था। क्या करूं मैं तुम्हारा? बिनोई, क्या है? क्या तुम उन ब्लाइंड डेट्स पे जाना बंद कर सकती हो? तुम जैसी लड़कियों को जेन्युइन रोमांस के लिए रुकना चाहिए, ना कि जल्दबाजी। इन लफंगों से तुम शादियों वाली फीलिंग्स के बारे में बात कैसे कर सकती हो? हाँ बिल्कुल, तुम दूर रहोगे तो ये सब नहीं करना पड़ेगा। तुम इन ब्लाइंड डेट्स पर मुझसे छुटकारा पाने के लिए जा रही हो? हाँ, मतलब सच कहूँ तो यही रीजन है। ठीक है, फिर एक डील करते हैं, अभी से मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा, लेकिन फिर तुम डेट्स पर नहीं जाओगी, मंजूर? आखिरकार तुमने मुझसे दूर रहने का डिसीजन ले ही लिया। मैंने ऐसा कब कहा? मैंने सिर्फ इतना कहा कि इसके आगे से मैं तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूंगा, मेरे पास अब भी कई तरीके हैं तुम्हें वापस पाने के लिए। बेहतर होगा कि तुम ये सब ना ही सोचो, यही अच्छा होगा, चलती हूँ। अरे क्या हुआ? अब ये भी जी अर्जुन के ट्रिक में से कोई नहीं है ना? शिनची तुम ठीक हो? शिनची मैं ठीक हूँ, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर रह सकती हो? बिल्कुल नहीं, मुझे सच लगा, मैं जा रही हूँ, शानचान को ये दे दूंगी। इसे भी रख दो उसमें। नहीं, इसे देखो, ये ज्यादा सेक्सी नहीं है, ऐसा ड्रेस पहनोगी तो काफी सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। लेकिन मैं हमेशा ऐसे कपड़े पहनती हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और अगर आया भी फिर भी मेरे कपड़ों से उसे क्या प्रॉब्लम होगा? ये तो बहुत मिसोजिनिस्टिक है। मेरे कहने का मतलब है कि तुम अकेली बिजनेस ट्रिप पे जा रही हो तो थोड़ा ध्यान रखना बस। हाँ हाँ ठीक है, चिंता मत करना, मैं हमेशा ऐसे बिजनेस ट्रिप्स पे जाती हूँ, मैं अच्छे से हैंडल कर लूंगी। दूसरी बात, मैं क्या पहनती हूँ इससे मेरे संभल के रहने का क्या संबंध? तुम समझने की कोशिश करो, अभी हम एक साथ आए और तुम जा रही हो, और तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, ये कैसा रहेगा? मैं भी चलता हूँ तुम्हारा बॉडीगार्ड बनके। देखो तो कितने स्वीट हो तुम, मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बनना चाहते हो, जिंदगी भर मेरी रक्षा नहीं कर सकते, और मेरी वजह से तुम्हें अपने काम में डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मैं छुट्टी ले सकता हूँ, इससे पहले बात अलग थी, पर अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और मुझसे जितना हो सके मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। तो ये सारे गर्म कपड़े मैं बैग में भर देता हूँ, ठीक है? इतने सारे कपड़ों की क्या जरूरत है, ये सारे अच्छे हैं। मिनहुई, हाँ? तुम और एक ब्लाइंड डेट पे गई थी? हाँ। तुम्हें वो आदमी पसंद नहीं आया? नहीं पसंद आया। शानचन, जानती हूँ कि तुम्हें किसी और को डैडी नहीं कहना है, पर मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, आगे जाकर मैं किसी के भी साथ क्लोज हो जाऊँ तो तुम्हें उसे डैडी कहने के लिए नहीं कहूँगी। तुम्हारे सिर्फ एक ही डैडी है और वो शिनची है। पर शिनची तुम्हें सच में चाहता है, मुझे नहीं लगता उसकी जितना कोई प्यार तुम्हें कर पाएगा। तुम जानते हो प्यार क्या होता है? पता है, प्यार मतलब समझो कि मुझे चॉकलेट पसंद है, और अगर मेरे पास एक ही चॉकलेट है और अगर वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ तो मुझे तुमसे प्यार है। तो जरा इसके बारे में सोचो, मेरी और शिनची के सिवाय तुम्हें और कौन चॉकलेट देना चाहेगा? तुम जैसी लड़कियों को जेन्युइन रोमांस के लिए रुकना चाहिए, ना कि जल्दबाजी। इन लफंगों से तुम शादियों वाली फीलिंग्स के बारे में बात कैसे कर सकती हो? हाँ, आई प्रॉमिस, मैं ऐसे ब्लाइंड डेट्स पे कभी नहीं जाऊंगी, पर तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना होगा, मेरे और शिनची के बीच में तुम कभी नहीं आओगे। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अच्छे से रहो। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। गुड बाय। हेलो डॉक्टर जो। मैं आज नाइट शिफ्ट पर हूँ, ब्रेकफास्ट के लिए कल मिलते हैं। डॉक्टर जो, एक पेशेंट आपके लिए इंतजार कर रहा है। हाँ। लो, और थोड़ा ले लो, एक और ले लो ना, बस आखिरी हो गया। गुड डॉग। डियर, मैं पेट शॉप से गुजर रहा था तो मैं सेंसेन के लिए कपड़े लाया हूँ। जरूरत नहीं, जो कहना है सीधा कह दो, सेंसेन को बीच में मत लाओ। हम दोनों पति पत्नी हैं, तो इसका मतलब हमें एक दूसरे का ख्याल रखना हो गया सेंसेन। चलो बाहर चलते हैं, चलो चलो बाहर जाके खेलते हैं, चलो चलो। सेंसेन सबसे अच्छा है। तुम्हारी खुशबू अच्छी है। डियर, डियर, मेरा यकीन करो, इससे मेरा कोई भी संबंध नहीं है। उस औरत ने ये सब उसके चिरांग, मुझे नहीं फर्क पड़ता है तुम्हारा और लिन शुई का क्या चल रहा है। तुमने आज उसे बुलाया ताकि तुम सबके सामने ये जता सको कि पापा को पता चले कि कंपनी को तुम्हारी कितनी जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है डियर। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी अच्छी बातें पापा के सामने रखूं ताकि वो तुम्हें गुआंचाओ का चेयरमैन बना सके। ध्यान से सुनो, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम कितनी औरतों के साथ हो,
पर इतना ध्यान रखो कि कोई तुम्हें काबू ना कर पाए। वो औरत ऑफिस में दिखनी नहीं चाहिए। डियर, डियर। आ गए तुम? ये क्या है? याव जीजू का कोई जवाब नहीं। ये देखो, मेरी गर्लफ्रेंड को कब से इस आइसक्रीम शॉप में जाना था, मैंने ट्राई किया पर मुझसे नहीं हुआ। देखो उसे, उसे दो मिले। तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे लिए वो एक पक्का लाएगी। तुम्हें तो आइसक्रीम पसंद नहीं है, मुझे दे देना। तुमने ऐसा क्या किया कि उसने तुम्हें ब्लॉक ही कर दिया? अरे सच में ब्लॉक कर दिया? ये तो सीरियस बात है। मुझे वहां का एड्रेस भेजो। गुड लक। यहाँ पर नहीं। मिन्होय, मैं बोर हो गया हूँ, मेरे साथ भी तो खेलो ना। अरे अभी नहीं शानचैन, मुझे थोड़ा काम खत्म करना है, तब तक तुम खेलो ना। हाँ, ये बड़े भी ना हमेशा बिजी होते हैं। तुम तो वीकेंड में भी ओवरटाइम करती हो। जो डैडी भी जीजू के साथ बहुत बिजी है। मेरे पापा भी आज मुझे लेने आने वाले थे, लेकिन वो भी कोई बिजनेस ट्रिप पे गए है। हाँ, तुम आजकल काफी कंप्लेन करने लगे हो। हाँ शानचैन, बिल्कुल बड़े लोगों के जैसे बोलते हो। अगर तुम बोर हो गए हो तो शिनजी से बात कर लो। ये लो। ठीक है शानचैन, मुझे मिस कर रहे हो? हाँ, क्या तुम बिजी हो शिनजी? तुम्हारे लिए मैं कभी बिजी हो सकता हूँ क्या? आई हैव ऑलवेज टाइम फॉर यू। तुम वापस कब आ रहे हो? कुछ दिन तो लग जाएंगे। वैसे तुम कहाँ पे हो? घर तो नहीं लग रहा। मिन्होय को ऑफिस में काम था, इसलिए मैं उसे कंपनी देने आया हूँ। मम्मी के ऊपर कैमरा ले जाना, मुझे देखना है सच में वो काम कर रही है या नहीं। ये कैमरा मुझ पर क्यों है? शिनजी जानना चाहता है कि तुम कितना काम कर रही हो। अच्छा, तो उसे ये जानना है मैं ऑलरेडी वीकेंड पे भी काम करती हूँ, और इसे जानना है कि मैं काम करती हूँ या नहीं। अच्छा छोड़ो, चलो मुझे फोन दो। सुनो शिनजी। हाँ बोलो। AI हार्ट मॉडलिंग क्लिनिकल हॉस्पिटल के बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स हैं? जरा बताना। बिजी हूँ, बात करते हैं वापस आने के बाद। पर तुमने कहा तुम फ्री हो। ये तुम कहाँ पर हो? शहंगा ही नहीं लग रहा है। वो बैकग्राउंड तो कुछ अजीब लग रहा है। वैसे मुझे काम है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। हार्डी बुला रहा। कट कर दिया? शानचान, मुझे तो लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ। इधर आओ। मैंने तुम्हें होटल का बैकड्रॉप लाने को कहा था ना, ये क्या है? हाँ? तुमने ये शंघाई वाला पिक्चर क्यों लाया? अरोरा प्लाजा, ये दो शब्द हिलते ही नहीं। शांत हो जाए। उसे मालूम है ये फेक है। शांत वो हो जाए। पता कर लेगी इसे। मेरी बात तो सुनिए। शांत हो जाए, शांत हो जाए। मैं चाहता था कि बस ये थोड़ा और रियलिस्टिक लगे। ये लुजियाज हुई है, शंघाई का आइकॉनिक लैंडमार्क। जैसे कि मुझे पता ही नहीं। हाँ। देखो अगर उसे पता चला तुम्हारा इस महीने का बोनस कट। हाँ? नहीं 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 सुनिए, नहीं। आपको उन्हें बताना चाहिए था ना कि हॉस्पिटल में आप बीमार है, इससे आपके लिए उनकी चिंता बढ़ जाती ना। मुझे समझ नहीं आता आप उनसे छुपाते क्यों हो। मिस्टर शीन, आपके चेकअप का टाइम हो गया है। हाँ। मिस मिनोई का कॉल आया है। काटो उसका कॉल, बेवकूफ। उन्हें पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। अगर वो कॉल करते रहेंगे तो आप क्या करेंगे? जितनी देर हो सके उसे मत बताना। ये चेकअप के बाद मैं वापस जा रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, डॉक्टर ने कहा है कि आपका हार्ट रेट नॉर्मल नहीं है, आपको चेकअप के लिए हॉस्पिटल में ही रहना होगा और आराम करना होगा। मेरे बॉडी के बारे में तुम सलामत देना, ठीक है? जो
जो भी टेस्ट करना है जल्दी से करने बोलो। मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता वरना पकड़ा जाऊंगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर की बातें नहीं सुनोगे क्या तुम? यार हाय वीर भाई, कहाँ हो तुम लोग? हम जा रहे हैं हॉस्पिटल वार्ड नंबर 863। फाइनली तुम मिल गई। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया है? तुम्हें अभी पता चला है? मैं हॉस्पिटल में काफी बिजी था, मुझे बैक टू बैक सर्जरीज थी, साथ में राउंड्स भी लगाने थे, रिपोर्ट्स भी लिखनी थी। डॉक्टर जो, अगर तुम किसी को पसंद करते हो और वो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो उसकी जिंदगी से चले जाना ही अच्छा होगा। यही बेसिक तरीका है मॉडर्न डेटिंग का। तुम ऐसा तो कभी नहीं कहती थी। एक लड़की को अपना डिसीजन बदलने की बिल्कुल आजादी है। डेटिंग के मेरे 3 नियम हैं। 1, कभी किसी का घर मत तोड़ो, ज्यादा भोला मत बनो और किसी का बैकअप मत बनना। फिर से मेरा पीछा मत करना। जीजू, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ बोलो, क्या हुआ? हॉस्पिटल आ जाओ जल्दी, अभी तो मुश्किल है। मुझे पता था तुम सीरियस नहीं हो। शिनची, तुम ठीक तो हो? शिनची उठो ना। अब कैसा है ये? टेंशन की बात नहीं ना? इनका हाल इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन ध्यान तो देना होगा। हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से कल इन्हें एडमिट किया था। हमारे चेकअप से ये पता चला कि इन्हें हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम है, लेकिन हमें इनके सारे डिटेल्स टेस्ट के बाद ही पता चलेंगे। मेरे हिसाब से इन्हें यही रहना चाहिए। ओए, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। किसकी मदद? अगर तुम नहीं चाहते कि मिनहुई चिंता करे तो तुम्हें सब कुछ सच बताना होगा। वो इतनी भी कमजोर नहीं है। मिनहुई चिंता मत करो, ये बस काम के स्ट्रेस की वजह से हुआ है। शायद टेस्ट में कुछ भी ना निकले। आराम करो और जरूरत पड़े तो कॉल करो। चंचन, चलो हम खेलने जाते हैं। हाँ चलो। बस कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रहा है। इतना भी कुछ सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, और अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो हार्डी से रिपोर्ट्स मंगवा के देख लो। वो चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें तो डॉक्टर की बात सुननी चाहिए। बच्चों की तरह बर्ताव करना बंद करो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब तुम ठीक होते हो तुम्हें बीमारी का नाटक करना होता है, और सच में बीमार पड़ गए तो कुछ भी नहीं बताना। मैंने बीमार होने का नाटक इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारा अटेंशन और केयर चाहता था, लेकिन अब सच में बीमार हो तो नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए वरी करो। अब तो ये प्रॉब्लम बहुत पुराना है और मैं अपने बॉडी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। इतना भी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, और इतने सालों से अपना खुद का ख्याल रखा है मैंने। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। क्या कहा तुमने? जो लगा वही बोला। तुम रेस्ट कर लो।
देखो इसे। मेरी इस पे बहुत टाइम से नजर थी। ये एक्सपेंसिव है, अचानक मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम्हें पसंद है। और ये भी देख लो। इसका क्या मतलब है? तुम मुझे निकाल रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा ही कि तुम रिजाइन कर रही हो। जेनी सिंह को हमारे बारे में पता चल गया है। तुम्हें यह करना ही होगा ताकि मैं गंजों पर अपने हाथ रख सकूं। हमारे बारे में पता चला इसलिए? बस इसलिए तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो? इतनी जल्दी मुझे छोड़ दोगे? मैंने अपनी जी जान लगाई है ग्वांचाओ में। मुझे पता है ये तुम्हारे साथ ठीक नहीं हो रहा, लेकिन ये हमारे फ्यूचर के लिए है। क्या तुम मेरे रखेल बनकर हमेशा अंधेरे में रहना चाहती हो? हाँ, हमेशा के लिए? तुम चाहती होगी, लेकिन मैं नहीं। मैं तुम्हें ऐसे रहते हुए नहीं देख सकता। सिर्फ तुम ही हो जो मेरे दिल में मिसेस चेंग की अहमियत रखती हो। इसका मतलब तुम मुझसे शादी करो? ऑफ कोर्स। शुई, मुझे थोड़ा और वक्त दो। भरोसा रखो, तुम्हारे इस सैक्रिफाइस की कीमत तुम्हें मिल जाएगी। कुछ समय के लिए हमें अलग होना होगा। उठ गए तुम? तुम लोग अभी तक गए नहीं? मैंने पहले ही कहा था, अब तुम अकेले नहीं हो। पापा देखो, मैंने एक हार्ट बनाया है। अब तुम्हारे पास दो हार्ट है। अगर एक ने काम नहीं किया तो तुम्हारे पास दूसरा भी है। शुक्रिया शानचन। रुको ना, मेरा हुआ नहीं है, खत्म करने दो। शुक्रिया शानचन की मम्मी। तुम्हें कुछ फ्रूट्स चाहिए? दवाई का वक्त हो गया। क्या आप शिनची की फैमिली हो? हाँ, मैं ही हूँ। यह आज रात की दवाई है। ये व्हाइट वाली अभी लेनी है, और ये जो येलो मेडिसिन है ये एक घंटे के बाद लेनी है। क्या आप समझ गए? समझ गए। ठीक है, शुक्रिया। यू वेलकम। शुक्रिया। मेडिसिन ले लो। ये बीमारी तो कभी भी नहीं जानी चाहिए। एक फैमिली का साथ होना कितना वंडरफुल फीलिंग है। अगर तुम एक हफ्ते में ठीक नहीं हुए तो हम चले जाएंगे। जेसन, जेसन, ओ जेसन, क्या तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें देखने। मम्मी, क्या तुमने नहीं कहा था हम शिनची के साथ हॉस्पिटल में रुकेंगे? मुझे पता है तुम्हें उसकी चिंता है, पर वहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी है और वहाँ पर तुम्हारी बुआ भी है ना। सब कुछ सही है, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय। अच्छा सुनो, अभी तुम सोने के लिए चले जाओ, कल हम शिनची को मिलने जाएंगे। क्या तुम उसके लिए हार्ड सैंडविच बनाने में मेरी मदद करोगी? और वो क्यों? जब मैं बीमार था तब उसने मुझे एनर्जी वाला हार्ड बना कर दिया था। अब वो बीमार है इसलिए मैं उसे हार्ट वाला सैंडविच बनाकर दूंगा। ओह, अब मैं समझ गई। फिर इसे तुम खुद क्यों नहीं बना लेते? पर मैं तो बच्चा हूँ, ये खतरनाक है मेरे लिए। अच्छा समझ गई, मैं तुम्हें हेल्प करूंगी। याद रखना वो हार्ट शेप में होने चाहिए, वरना वो हार्ट सैंडविच नहीं लगेंगे। समझ गई। चलो अभी तुम जल्दी सोने जाओ। हाँ। गुड नाइट। अरे तुम यहाँ क्यों आई? तुम जैसे ही यहाँ आई
मिनहुई तुरंत यहाँ से चली गई मेरी बेटी के साथ। हे, तुम सच में बहुत बुरे हो। जब हार्डी ने मुझे बताया असल में क्या हुआ, मैं तुरंत फ्लाइट से चली आई। तुम अप्रिशिएट तो कर ही नहीं रहे हो, उल्टा बोल रहे हो क्यों आई। बहुत ज्यादा बुरे हो तुम। तुमने तो दोनों idioms बराबर यूज कर लिए। वो तो है ही, आफ्टर ऑल मैं इसके बारे में पढ़ जो रही हूँ। वैसे भी मैं नहीं चाहती चौन मेरा फिर से मजाक उड़ाए। सब्जेक्ट मत चेंज करो। हार्डी ने कहा तुम हॉस्पिटल छोड़ रहे हो, वो भी बिना रिजल्ट देखे हुए। फटे मुंह की औलाद। उसे कुछ मत बोलो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस नहीं आई हूँ, बिजनेस का कुछ काम है मुझे। बता मुझे। You know, I got an intel. बी अजाइल का सबसे बड़ा शेयर होल्डर रियोनले उसे बेचना चाहता है। क्या सच है? Of course ये सच है। ठीक है, थैंक यू। वो बी अजाइल को बेच रहे। सी आई टोल्ड यू। जल्दी करो, टीम को बुलाओ और बी अजाइल का मार्केट वैल्यू निकालो। हाँ, अभी करता हूं। क्या तुम्हें बी अजाइल खरीदना है? तुम्हें एक साल भी नहीं हुआ यहां आके, डोमेस्टिक मार्केट की पहचान नहीं है तुम्हें, और तुमने तुम्हारे ज्यादातर पैसे एआई हार्ट मॉडलिंग टेक्नोलॉजी में डाल दिए हैं। बी अजाइल को अभी खरीदना रिस्की होगा। फिर भी कोशिश तो करनी होगी ना। अगर किसी और ने बी अजाइल को खरीद लिया तो मिनहुई का एआई मॉडलिंग प्रोजेक्ट खतरे में आ जाएगा। वैसे भी ये प्रोजेक्ट मेरे लिए भी एक सपने से कम नहीं है। मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। सिंडी, मुझे यहां से निकालो प्लीज। लेकिन तुम्हारी कंडीशन। मेरी कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट है। तुम तो देख ही रही हो मैं कितना तंदुरुस्त हूं, देखो ना। प्लीज मदद करो ना मेरी, कर दो ना। ठीक है ठीक है ठीक है, आई गॉट इट। गॉट इट। मैंडरिन ऑरेंज खाओ। ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूं, तुम ही खाओ। ये क्या कर रहे हो सर? डॉक्टर ने आपको और दिन रुकने के लिए कहा था ना, और आप इतनी जल्दी आ गए। कम से कम वहाँ डॉक्टर और नर्सेस ख्याल तो रख सकती थी ना आपका। बस भी करो अब, घर से अच्छी कोई जगह नहीं होती। उसे अच्छा लग रहा है तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, ये भी सही है। चिंता मत कीजिए बॉस, मैं आपका ख्याल रखूंगा जितना माँ कभी नहीं किया। आपको पानी चाहिए? मुझे बिंचिंग में कुछ काम है, इसे अपने साथ ले जाती हूँ। तुमसे ज्यादा मुझे इसकी जरूरत है। थैंक यू प्रेसिडेंट। मिहोए, मुझे थोड़े इम्पोर्टेंट मैटर्स अटेंड करने हैं, और शिनशी के पास कोई फ्रेंड्स नहीं है जो उसका ख्याल रखे, और डॉक्टर ने कहा है किसी को उसके साथ हमेशा रहना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। क्या तुम प्लीज शिनशी का ख्याल रख सकती हो मेरे खातिर? कोई बात नहीं बुआ, मैं और मम्मी मिलके पापा की देखभाल करेंगे, हम एक फैमिली है। That's right. सिंडी, मुझे भी थोड़ा काम करना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा। प्लीज, तुम ही तो हो जिसपे मैं भरोसा कर सकती हूँ, प्लीज रुक जाओ ना। मम्मी, पापा कितने बेचारे लग रहे हैं, वो बीमार है और उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है। कोई बात नहीं मिनहुई, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत काम है करने को, तुम जाओ अपना काम करो, मैं अपने आप को संभाल लूंगा। ज्यादा से ज्यादा मुझे खाना ऑर्डर करना पड़ेगा और खुद ही जाकर पानी भी लेना होगा। कोई नहीं, मैं संभाल लूंगा। वैसे भी इतने सालों से अपना ख्याल खुद ही रख रहा हूँ ना मैं। ये कैसे हो सकता है? आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। ओह, वो जेसन, मेरा बेचारा प्यारा सा भाई। ओ बेचारे पापा। अच्छा ठीक है, मैं इसका ख्याल रखूंगी। हम दोनों यहीं पर रहकर उसका ख्याल रखेंगे जब तक डॉक्टर ना कहे कि वो ठीक हो गया है। ये हुई ना बात। हारी, चलो हम वापस कंपनी जा रहे हैं। हाँ। मैं इसे तुम पर सौंपती हूँ। हाँ, चिंता मत करिए। आज रात मेरे साथ सोना। नहीं प्रेसिडेंट, मैं बॉस के साथ मिनहुई को अकेले नहीं रुकने दे सकता, मुझे जाना होगा। ओए, तुम कहाँ जा रहे हो? हाजी, हाँ, टेल मी, एक अच्छे असिस्टेंट के पास कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? बॉस को क्या चाहिए, हमेशा उसके बारे में सोचो और पता लगाओ कि बॉस के डिजायर्स क्या है।
बॉस की इच्छाओं को हमेशा पहले रखो। बॉस के गोल्स में जो भी रुकावटें आए हैं उन्हें दूर करना है। वेरी गुड। अब मुझे बताओ फिलहाल शिनशी की सबसे बड़ी इच्छा कौन सी है? मैं समझ गया। तो क्या अब तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ। अब इस समय से सिर्फ मैं तुम्हारी बॉस हूँ। तुम सिर्फ मुझे क्या चाहिए वो सोचोगे और मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। प्रेसिडेंट। हाँ। यही सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। जब से आपने मुझे मिस्टर शिन के पास भेजा है मैं हमेशा आपके पास आने की सोचता हूँ। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें शिनशी के पास क्यों रखा? हाँ? क्योंकि तुम बहुत बोलते हो। लेट्स गो। यस। भले ही मैं यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए रुकी हूँ पर मैं अपने काम को इग्नोर नहीं कर सकती, इसलिए पानी खाना मेडिसिन इसके अलावा मुझे किसी के लिए मत बुलाना। और अगर मुझे टॉयलेट या बाथरूम जाना हो तो? उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ओ बेचारे पापा। सच कहूँ तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि बस तुम यहाँ हो मेरे साथ। मिंजुई, ये भी लो ना। हाँ ये लो तुम्हारे लिए। तुमने बनाया? वो भी मेरे लिए? हाँ मैंने ही बनाया, तुम्हारे बेटे की रिक्वेस्ट थी इसलिए मैंने उसके लिए बनाए हैं। ये हुई ना मेरी बात। ओ हार्ट वाली शेप है। क्या हुआ, नमक ज्यादा है क्या? हाँ। नहीं बल्कि बहुत स्वीट है। तुम क्या देख रहे हो? काश तुम्हें डायबिटीज हो जाए।